आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एक गवर्नमेंट जॉब के प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट और प्रोफेशनल डिग्री के लिए प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट के बीच कौन बेस्ट है, खुलासा करेंगे। दोनों की सभी प्रोज एंड कॉन्स को आपके सामने रखेंगे। बाकी आपको डिसाइड करना है कौन सा चॉइस करने से आपके लिए बेटर रहेगा, कौन बेस्ट है, वो सारा कुछ आप डिसाइड करेंगे। दोस्तों, SSC, UPSC, IBPS, रेलवे के एग्जाम और प्रोफेशनल डिग्री में LLB, PhD, CA, CS वगैरह वगैरह किसका जॉब सिक्योरिटी ज्यादा है, सैलरी, सारे एंगल से हम लोग कंपेयर करके देखेंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है सुमेर और आप देख रहे हैं बिजनेस सेक्शन। और मैं आपको पहले ही बताना चाहूंगा, ये वीडियो बनाने के पीछे किसी प्रोफेशन को छोटा या सपोर्ट करना नहीं है, हम सिर्फ एक कंपेयर करके देखेंगे। इस वीडियो में मैं जो भी फैक्ट बताऊंगा सभी को मैंने न्यूज आर्टिकल्स और गवर्नमेंट डेटा से लिया हुआ है। फर्स्ट एस्पेक्ट, हम परसेंटेज ऑफ सक्सेस रेट को कंपेयर करते हैं। दोस्तों, अगर हम प्रोफेशनल डिग्री और SSC, IBPS, UPSC वगैरह की सक्सेस रेट को चेक करें तो हम पाएंगे गवर्नमेंट जॉब में सीट सिस्टम होती है, मतलब एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पोस्ट रहता है जिसके लिए लोग एग्जाम के प्रिपरेशन करते हैं, जिसमें आप कितने भी अच्छे रिजल्ट ला लो, सीट्स अगर फुल हो गई है तो ट्राई नेक्स्ट टाइम बेटर करना होगा। मतलब पास होकर जॉब मिलने की सक्सेस रेट 1% से भी कम है। SSC की ही एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि SSC काफी फेमस है स्टूडेंट में। हिंदुस्तान टाइम के आर्टिकल के हिसाब से SSC CGL में 25 लाख लोगों ने 2019 में पार्टिसिपेट किया था। ओरिजिनल फिगर आप आर्टिकल के कटिंग से देख सकते हैं, और जिसमें सिर्फ 9000 सीट थे, यानी 9000 पोस्ट। मतलब सक्सेस रेट हर स्टूडेंट का 0.36। उसी तरह रेलवे की RRB का एग्जांपल लेते हैं, 62,000 पोस्ट के लिए एप्लीकेशन किया गया था 3 करोड़, यानी सक्सेस रेट 0.20। बहरहाल, प्रोफेशनल डिग्री में डॉक्टर, लॉयर, CA, CS, इनमें पोस्ट की कोई सीन नहीं होता है। अगर आप पढ़ाई में अच्छे हैं तो पास डेफिनेटली हो जाएंगे और पोस्ट की भी कोई चिंता नहीं रह जाएगा। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सुमित MBBS की एग्जाम दिया है और उनके क्लास में मान लेते हैं 10 लोग हैं। 10 लोगों में सिर्फ 3 बच्चे पढ़ाई ठीक से नहीं करते हैं और बाकी 7 स्टूडेंट पूरे अच्छे तरीके से एक ही जैसे मार्क्स लाते हैं, तो सुमित के क्लास में 7 लोग पास तो हो जाएंगे और उनको सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। उसके बाद वो अपना कुछ भी काम कर सकते हैं, वो अनएम्प्लॉयड नहीं रह जाएंगे। अब इन दोनों को कंपेयर करें तो पाएंगे प्रोफेशनल डिग्री के लिए प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट एक सर्टेन चीजों के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, यानी कि वो सर्टेन इवेंट होगा ही होगा उनके लाइफ में, और गवर्नमेंट जॉब के प्रिपरेशन वाले अनसर्टेन इवेंट, जिसमें सक्सेस मिला तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिला तो वो अनएम्प्लॉयड रह जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है जॉब सिक्योरिटी और लीव एनकैशमेंट। जॉब सिक्योरिटी की बात करते हैं, गवर्नमेंट जॉब की एम्प्लॉय को फैसिलिटी जरूर मिलती है, और वो अगर छुट्टी पर भी जाते हैं तो मंथ एंड पे उनको सैलरी जरूर मिलता है। नौकरी से भी निकालना उनको इतना आसान नहीं होता है, बट प्रोफेशन करने वालों की ये तो है, अगर ज्यादा छुट्टी करेंगे तो उनके क्लाइंट दूसरे के पास चले जाएगा, ये उनके लिए एक डिसएडवांटेज होता है, इसमें गवर्नमेंट जॉब बेटर है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर हार्डवर्क सक्सेस में कन्वर्ट नहीं हुआ तो क्या होगा, ये पॉइंट के ऊपर हर एक स्टूडेंट को सोचना चाहिए और उसके बाद ही डिसाइड करना चाहिए कि आपको IBPS, रेलवे, SSC, UPSC के लिए प्रिपरेशन करना है या प्रोफेशनल डिग्री को चूज करना है। दोस्तों, आपको एक छोटा सा मैथमेटिक्स लगाना है। हमारे इंडिया में स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलाकर 2 करोड़ के आसपास एम्प्लॉय वर्क करते हैं गवर्नमेंट सेक्टर पे। ये द हिंदू के आर्टिकल से मैंने लिया हुआ है, और हमारा पॉपुलेशन 130 करोड़ के आसपास है। अब सोचिए, ये 2 करोड़ पोस्ट हर साल तो खाली नहीं होगा, नहीं ना, 10-15% ही खाली होगा। ये सीट्स भी तो लिमिटेड ही है, बढ़ेगा तो नहीं। मान लीजिए एक स्टूडेंट SSC, CGL के लिए 2 साल जमकर मेहनत करता है, मतलब वो 2 साल में उसका दूसरा नॉलेज नहीं बढ़ेगा। अगर वो 2 साल के बाद पास हो गया तो मेहनत काम पे आएगा, और अगर पास नहीं हुआ तो मेहनत बेकार का, भले ही आप सेकेंड अटेम्प्ट दे या ना दे, 2 साल तो वेस्ट हुआ ना। 2 साल बहुत होते हैं, उसके बाद अगर आपने 3-4 अटेम्प्ट और भी दिया तो आपका 5-6 साल वैसे ही वेस्ट। उस 5-6 साल में आपको अनएम्प्लॉयड ही कहा जाएगा। उसके बाद क्या,
आपने जो इन 4-5 सालों में रीजनिंग, मैथ्स, जीके सीखा है, ये प्रैक्टिकल लाइफ में कहीं पे इम्प्लीमेंट होगा? नहीं ना, प्राइवेट कंपनी में इनका जरूरत नहीं होता है। वहाँ पे सिर्फ इंग्लिश को छोड़ के आपने जो इंग्लिश सीखा होगा वो काम में आएगा, बाकी प्राइवेट कंपनी में स्किल्स की जरूरत होती है। उसके बाद आप गवर्नमेंट को दोष देंगे कि गवर्नमेंट पोस्ट नहीं निकालता, और वही प्रोफेशन में कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में डिग्री लेते हैं, उसमें मास्टर बनाते हैं, मतलब मान लेते हैं एक MBBS 4 साल प्रिपरेशन किया और वो डॉक्टर नहीं बन पाया, तो वो अपने आधी अधूरी स्किल से केमिस्ट की शॉप खोल सकता है, फार्मेसी खोल सकता है, एक CA चार्टर्ड अकाउंटेंट प्राइवेट कंपनी में उसके अकाउंटिंग स्किल से अकाउंटेंट की जॉब कर सकता है। अब आप खुद सोचिए कौन सा बेटर है। नेक्स्ट हम फ्रीडम देखते हैं। एक साइड पे लॉयर, डॉक्टर, इंजीनियर, CA, CS वगैरह है, और दूसरी साइड SSC, UPSC और बैंक के एग्जाम पास किया हुआ एम्प्लॉई है। दोनों में पाएंगे प्रोफेशन करने वालों की ज्यादा फ्रीडम होती है, क्योंकि वो खुद का बिजनेस चलाते हैं। अगर एक डॉक्टर 2 महीने पेशेंट को चेक किया, उसके बाद 2 हफ्ते के लिए घूमने चला गया, तो उसे पूछने वाला कोई नहीं है, वो खुद मालिक है अपना। और गवर्नमेंट जॉब की एम्प्लॉय को देखें, बिना नोटिस के 10 दिन भी आप घूमने चले जाओ तो सस्पेंशन ऑर्डर आपके घर पहुंच जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय एक सरकारी सर्वेंट होते हैं, वो कोई मालिक नहीं होते हैं। गवर्नमेंट उनको जैसा डायरेक्शन देगी उसको वैसे ही काम करना पड़ेगा। अब ये आप पर है, आप मालिक बनना चाहोगे या सर्वेंट। लास्ट देखते हैं फैसिलिटी, जैसे रिटायरमेंट लाइफ बेनिफिट, मेडिकल बेनिफिट, फिक्स्ड वर्किंग आवर, ये सारी फैसिलिटी गवर्नमेंट जॉब में बने बनाए मिलती हैं। पर ऐसा भी नहीं प्रोफेशनल करने वालों को नहीं मिल सकता, प्रोफेशनल करने वाले अपने लिए ये फैसिलिटी खुद क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों लास्टली मैं कहना चाहूंगा, गवर्नमेंट जॉब में सक्सेस मिला 0 to 1 के तरफ आप बढ़ेंगे, और सक्सेस नहीं हुआ तो 0 to 1, उसके बाद फिर 0। प्रोफेशन में सक्सेस हुआ तो 0 to 1 की ओर आप बढ़ेंगे, और सक्सेस नहीं हुए तो 0 to 1, उसके बाद हाफ। अब आप ये सोच रहे होंगे ये 0 to 1 और हाफ इसका मतलब क्या है, तो आप पीटर थिल की 0 to 1 बुक को जरूर पढ़ें, ताकि आपको 0 to 1 सक्सेस फॉर्मूला क्या है आपको समझ में आए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप परचेस कर सकते हैं। बाकी हमारे फैक्ट के हिसाब से आपको कौन बेहतर लगा आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। बिजनेस और फाइनेंस रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करके आप हमारा मनोबल जरूर बढ़ाएं। धन्यवाद।